कृषि दर्शन के देखइए जम्मो संगवारी हो, राम राम जय जोहार। संगवारी हो, जैसे कि आप मन जानत हो कि हमर छत्तीसगढ़ में धान के खेती के संगे संग हमर किसान भाई मन हा दलहन तिलहन के खेती घलोक भरपूर जोरदार करते। तो संगवारी हो, लेकिन दलहन तिलहन के खेती में हमर किसान भाई मन हा अपन आय ला दुगनी कैसे करे, यहू बात है सोचे समझे के हवे। तो ये विषय में हम चर्चा करें, यहाँ के जिन वैज्ञानिक भाई है तेकर से चर्चा करें, तब वो हमन ला अपन बढ़िया सुग्घर कृषि विज्ञान केंद्र में जिन हमर रायपुर में स्थित है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, वहाँ के परिसर में बहुत सुग्घर ढंग ले एक ठन प्रोजेक्ट लगे है संगवारी हो, जिन में ये बताए गए है कि हमारे किसान भाई मन हा अपन आय ला दुगुनी कैसे करे दलहन तिलहन के क्षेत्र में। तो आज के हमारे विषय यही रही संगवारी हो, लेकिन ओकर से पहली आप मन पर हवे कुछ खास। जो जई का चारा रहता है ये मुख्यतः रबी के जो दशा है, रबी की जो हमारा सीज़न है, फसल वर्ष है, उसमें लगाया जाता है। जई जो है ये गेहूं के जगह, मतलब गेहूं जहाँ जहाँ लगा सकते हैं आप वहाँ वहाँ जई लगा सकते हैं। तो जई उस समय रबी के सीज़न में लगा सकते हैं किसान भाई। ये जो है पशुओं के लिए अति उत्तम चारा है, क्योंकि इसमें हरा जो भाग रहता है, ग्रीन हरा जो शुष्क भाग रहता है, और इसका जो टोटल बायोमास जो रहता है ग्रीन अवस्था में, हरी अवस्था में बहुत ज़्यादा होता है। इसकी उपज जो है ग्रीन हरे चारे की उपज जो है 350 से 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक हो सकती है। और इसमें सुपाच्यता जो होती है पशुओं के लिए वो 70 से 80% तक सुपाच्य चारा होता है। तो संगवारी हो, कार्यक्रम में एक बार फिर से आप मन के स्वागत है। और जैसे कि आज हमन गोट बात करबो, चर्चा करबो कि हमर किसान भाई मन हा दलहन तिलहन के क्षेत्र में अपन आय ला दुगनी कैसे करे, यही है हमर आज के विषय। और यही विषय में गोठाए बर आज हमर संग में हवे डॉक्टर दीपक चंद्राकर जी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ले। तो संगवारी हो, बात के शुरुआत ला करथन, और सबले पहली तो यही जानना चाहबो कि हमर जेन ये छत्तीसगढ़ प्रदेश हवे तिहाँ दलहन तिलहन में कौन कौन से प्रकार के दलहन तिलहन के संभावना, हमर जेन किसान भाई मन है ओकर आय ला बढ़ाए बर अत्यधिक महत्वपूर्ण हवे। आओ जानथन ये विषय में काय कहा थे हमर वैज्ञानिक महोदय है। छत्तीसगढ़ में किसान भाई यदि अपनी आय को दुगनी करना है या अपनी आय में वृद्धि करना है तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यदि हम इसे सिलसिलेवार रूप में लें तो सर्वप्रथम किसान भाइयों को खरीफ की फसल, ऐसे फसल का चुनाव करना चाहिए जो कि वहाँ के जलवायु एवं वर्षा की स्थिति के आधार पर उचित हो। अर्थात हम जैसे कि जब हम जानते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में 1200 से 1400 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, अर्थात वर्षा अधिक मात्रा में होती है, तो फार्मिंग सिचुएशन या खेत की स्थिति के आधार पे किसान भाइयों को अपनी फसलों का चयन करना चाहिए। उसमें धान की मध्यम अवधि वाली किस्म को लेना चाहिए, साथ ही साथ ऐसी किस्म जिसमें कीट पतंगों का आक्रमण कम हो, इनका उपयोग करना चाहिए। एवं जो धान की जो फसल है उसको फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी या उचित पकने की अवस्था में ही काट लेना चाहिए, इस ताकि हमें दूसरी फसलों की तैयारी बहुत करने का समय मिल जाए। ये तो रही इस बात संगवारी हो कि आप मन सुने हो कि हमारे वैज्ञानिक महोदय बताई साफ मान ला कि कैसन ढंग के आप मन हा दलहन तिलहन के क्षेत्र में काम ला कर सकत हब। और सबले बड़े बात ये है कि हमारे छत्तीसगढ़ के जलवायु है कैसनहा है ये दलहन तिलहन के खेती पर, और एक संगे संग कौन कौन से प्रकार के दलहन तिलहन बर हमन हाँ कौन कौन से प्रकार के माटी और जमीन के तैयारी ल करन। तो संगवारी हो, जैसे कि आप मन जानत हो देखत हो कि कैसन ढंग के हमला जमीन के तैयारी ल करना है, यही गोट बात ला बतावत हवे हमर दीपक चंद्राकर जी है। आओ ध्यान लगा के देखथन और सुनथन। किसान भाई लोग, जब तिवड़ा एवं मसूर की बुआई हमें करना है तो उसके लिए हमें ज़मीन की तैयारी कैसे करें, इस पर अगर हम ध्यान दें
तो जैसा कि किसान भाइयों हम सभी जानते हैं कि तिंवड़ा की जो बुआई है वो दो तरीके से छत्तीसगढ़ में की जाती है। सर्वप्रथम तिंवड़ा की उतेरा बोनी, इसमें धान की खड़ी फसल में अर्थात जब धान कटाई की अवस्था के 15 से 20 रोज पूर्व धान की खड़ी फसल में तिंवड़ा की बीजों को छिटक कर बोया जाता है। एक तो यह की विधि हो गई। दूसरी विधि, हम तिंवड़ा की जो बुआई करते हैं वो धान की कटाई के शीघ्र पश्चात उसके संरक्षित नमी में, बिना अगर हम वर्षा आधारित खेती करें तो संरक्षित नमी में कटाई, धान की कटाई के शीघ्र पश्चात हमें तिंवड़ा की बुआई करना है। तो इस हेतु हम बिना जूते हुए खेत में हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा एक बहुत ही अच्छी इम्प्लीमेंट, जिसे हम इंदिरा फर्टी सीड ड्रिल के नाम से जानते हैं, का विकसित की गई है। इसमें हम धान के कटाई वाले खेत में जब नमी की उचित अवस्था हो उस समय बिना जूते खेत में हम इस मशीन के द्वारा बुआई करते हैं। इस मशीन को बोने से एक साथ दो से तीन ऑपरेशन एक साथ होता है, जैसे कि एक साथ खाद रोजोन में जाता है। एक तो बीजों की बुआई कतारों में होती है, दूसरा खाद भी तुरंत पड़ जाता है, साथ ही साथ बीज भी पड़ता है। और बीज एवं खाद एक निश्चित गहराई में, पहले खाद पड़ता है उसके 2 सेंटीमीटर ऊपर बीज पड़ता है एवं निश्चित गहराई में होता है, जाता है कतारों के बीच में। तो इससे प्रॉपर नमी का कांटेक्ट बीज से होता है एवं 100% या कह सकते हैं कि 100% बीजों का अंकुरण होता है। तो सबसे बहुत उपयुक्त विधि है और बहुत ही जो जर्मिनेशन का जो चांसेस है वो 100% होता है। संगवारी हो, आप मन देखियो कि आप मन हाँ दलहन तिलहन के क्षेत्र में कैसन ढंग के अपन जमीन के तैयारी ला कर सकत हो। एकर संगे संग अब बात करथन कि कौन कौन से प्रकार के वैरायटी होते, कौन कौन से प्रकार के दलहन तिलहन के प्रकार होते, जैसे कि जानत हन संगवारी हो लाखड़ी है और कई प्रकार के सोयाबीन हवे, एकर संगे संग हमर जिन मटर हवे, ऐसा ऐसा प्रकार के दलहन तिलहन के खेती ले जब हमर किसान भाई करते तो ओमा ओमला कौन कौन से बात के ध्यान रखे लगी ताकि ओकर मन के जिन आय है तेन दुगुना हो जाए। तो आओ देखन कि कैसन ढंग के बीज प्रबंधन करते और कैसन ढंग के वह ओकर बोनी लगर थे। देखिए, यदि हम तिंवड़ा की किस्मों की बात करें तो इसमें हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा महत्वपूर्ण किस्में विकसित की गई हैं। सर्वप्रथम प्रतीक किस्म है और दूसरी महातिंवड़ा है। यह तिंवड़ा की दोनों किस्में हैं जो कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ में, इवन पूरे देश भर में जहाँ जहाँ तिंवड़ा की खेती की जाती है सब जगह इनका फैलाव हो चुका है और ये बहुत ही उपयुक्त किस्में हैं हमारे जलवायु के हिसाब से। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन किस्मों में हानिकारक तत्व, जिसे हम ओडेप कंटेंट कहते हैं या रासायनिक नाम उसका एन ऑक्सिलाइल 2-3 डाइअमिनो प्रोपियोनिक एसिड की जो मात्रा है जो कि हानिकारक होता है मानव स्वास्थ्य एवं पशुओं के स्वास्थ्य के लिए, इसकी मात्रा 0.067% है जो कि अन्य जो देसी किस्म है उससे 10-100% तक कम है इसमें, इसीलिए यह किस्में उपयुक्त है। अब हम मसूर की बात करें तो मसूर की बहुत ही एक उम्दा किस्म हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा विगत वर्ष में निकाली गई है, छत्तीसगढ़ मसूर 1, जो कि बहुत ही इसका फैलाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। एवं साथ ही साथ मटर की बात करें तो पिछले वर्ष मटर की एक बहुत ही अच्छी किस्म इंदिरा मटर 1 के नाम से निकाली गई है। मटर की एक बहुत ही अच्छी किस्म इंदिरा मटर 1 के नाम से हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा निकाली गई है। यह किस्म उतेरा बोनी के लिए तो उपयुक्त है ही, साथ ही साथ कतारों में बो सकते हैं। इसके जो दाने हैं वो काफ़ी सुडौल होते हैं एवं दाल पर्पज़ के लिए बहुत ही उम्दा किस्म है ये। मेरे साथ बोलो ए, ए, बी, बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है, अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन,
तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36% से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकारी की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम लहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, भारत का। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। संगवारी हो, आप मन देखियो कि आप मन ला जब बीज बोनी करना हबे और कौन कौन से प्रकार के बीज होते, यहू बात ला हमर डॉक्टर साहब आप मन ला बताई सब है। तो संगवारी हो, ये बात के आप मन है ध्यान रखू, और जैसे कि आप मन है ये बात ला भली भांति जानत हो कि कोनो भी प्रकार के फसल में पानी के ही बड़ा महत्व होते। लेकिन संगवारी हो, यहू बात ला आप मन है भली भांति जानत हो कि आजकल मौसम चक्र है बदल गए है, लेकिन हमारे किसान भाई मन है कई कई क्षेत्र में कम वर्षा आधारित क्षेत्र होते और कई कई क्षेत्र में अधिक वर्षा आधारित क्षेत्र होते। ऐसन जगह में कैसन कैसन प्रकार के बीज ला बोना चाहिए और जल प्रबंधन कैसे होना चाहिए, यहू गोट बात ला जानना ओत के ही आवश्यक हबे। आओ देखते ये विषय में का कहा थे डॉक्टर साहब। ये जो मसूर, तिवड़ा एवं मटर की ये जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा जो किस्में विकसित की गई हैं, यह वर्षा आधारित क्षेत्रों में एवं कम से कम पानी वाले क्षेत्रों जहाँ पे किसान भाइयों को एक सिंचाई या दो सिंचाई की उपलब्धता हो या वर्षा आधारित खेती करना चाहते हैं उन क्षेत्रों के लिए यह किस्में विकसित की गई हैं। यदि किसान भाई के पास एक पानी है तो इन फसलों की बुआई करने के पश्चात एक पानी किसान भाई मैक्सिमम ब्रांचिंग स्टेज या दूसरे शब्दों में बुआई के 35 से 40 दिन के पश्चात कर सकते हैं, और यदि किसान भाई के पास में दो पानी हैं तो पहली सिंचाई मैक्सिमम ब्रांचिंग स्टेज जो कि 35 से 40 दिन बुआई के पश्चात आता है तब सिंचाई करना है। दूसरी सिंचाई किसान भाइयों को 65 से 70 दिन के पश्चात या दूसरे शब्दों में हम फली बनने की अवस्था या पॉड इनिशिएशन स्टेज कहते हैं उस समय किसान भाइयों को सिंचाई करना है। संगवारी हो, आप मन देखियो कि आप मन ला कैसन प्रकार के बीज ला कब और कहाँ और कौन से परिस्थिति में बोना हब है। एकर संगे संग अब हमन हम बात करथन कि खाद और खरपतवार के, काबर की संगवारी हो जैसे जैसे हमार फसल हम बढ़त जाते वैसने वैसने वाला खाद और खरपतवार नियंत्रण के जरूरत होते। तो कैसन प्रकार के खाद और खरपतवार के नियंत्रण करण आओ देखथन काय कहा थे डॉक्टर साहब। इन दलहनी फसलों में खरपतवार प्रबंधन एवं पोषक तत्व प्रबंधन की बात करें हम तो सर्वप्रथम हम खरपतवार प्रबंधन करना चाहेंगे। खरपतवार प्रबंधन के लिए किसान भाई बुआई के जस्ट 0 से 3 दिन के अंदर या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि 24 से 36 घंटे के अंदर जैसे ही हम सिंचाई बुआई करते हैं, बुआई के पश्चात हम सिंचाई करते हैं तो सिंचाई के दूसरे दिन या दूसरे शब्दों में 0 से 3 दिन के अंदर हमें निंदा रासायनिक निंदा नाशक का उपयोग करना है।
उसके लिए किसान भाई लोग पेंडीमेथिलीन एक दवा आती है, इस दवा की मात्रा 1 लीटर दवा पर हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होती है और इस दवा के छिड़काव करने से नींदा का प्रॉब्लम जो समस्या है उससे समाधान पाया जा सकता है एवं अतिरिक्त लेबर की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो पेंडीमेथिलीन का उपयोग कर सकते हैं। किंतु कुछ किसान भाई यदि बुआई के समय इन दवाओं का उपयोग न कर पाए हों तो ऐसे किसान भाई लोग 15 से 20 दिन के पश्चात इमेजथापायर नाम की एक दवा आती है, इस दवा का 60 से 75 ग्राम दवा की मात्रा लेना है इमेजथापायर और प्रति हेक्टेयर की दर से इसका छिड़काव करें किसान भाई लोग 18 से 20 दिन बुआई के पश्चात, तो इस तरह से नींदा का नियंत्रण कर सकते हैं। उसके पश्चात यदि कुछ किसान भाई यदि बीज उत्पादन कार्यक्रम ले रहे हैं तो इन दवाओं का उपयोग करने के पश्चात बीच बीच में अपने खेत की छटाई कर सकते हैं। तो ये तो रही इस बात संगवारी हो कि खाद और खरपतवार ला आप मतलब कैसन ढंग के ओला नियंत्रण करना है और कौन कौन से बात के सावधानी रखना है जम्मो गोट बात ला आप मना सुने हब। अब बात आते कि कीट पतंगा के काबर की संगवारी हो जैसे जैसे मौसम बदलते और आप मन है तो जानत हो कि कोनो भी प्रकार के फसल में कीट मन के प्रकोप जरूर से होते, तो संगवारी हो ये कीट के प्रकोप हो गए हैं तो ओकर बर का निर्धारण कर सकन और हमारे ये दलहन तिलहन के फसल में कौन कौन से प्रकार के बीमारी लगते आओ जानते ये विषय में का कहते डॉक्टर साहब। जहाँ तक इन दलहनी फसलों में कीट पतंगों के आक्रमण की बात है तो सर्वप्रथम हम बीमारियों को लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी इस पूरे खेत में आपको सभी स्वस्थ पौधे मिल रहे हों, बीमारी के का जो स्टेज है वह लगभग यह खेत पार कर चुका है। शुरुआत में ही इसमें उकठा रोग या जिसे हम विल्ट कहते हैं वह मटर में भी आता है, तिवड़ा में भी आता है एवं मसूर में भी आता है। मसूर ज़्यादा में प्रकोप इसका ज़्यादा होता है और यह शुरुआती अवस्था में 35 से 40 दिन की जब बुआई की अवस्था होती है उस समय आता है, जिसे हम विल्ट डिसीज़ या उकठा रोग कहते हैं। इसमें पौधे की पत्तियां ऊपर से नीचे तक बिल्कुल सूख जाती है या हम लोकल लैंग्वेज में सूखड़ी बीमारी भी इसे कहते हैं। तो इसके निदान के लिए इसे खेत से उखाड़ के फेंकना है और आगे यह ना आए इसके लिए हमें उपयुक्त किसी भी फंजीसाइड से उपचारित करके बीजों को बोना है। जैसा कि मैंने उकठा रोग के बारे में बताया, अब मटर की फसल में एक महत्वपूर्ण बीमारी और लगती है जिसको हम पाउडरी मिल्डो बोलते हैं। तो यह पाउडरी मिल्डो इसमें मतलब चून के रूप में जो पाउडर नुमा एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है वो पत्तियों के ऊपरी एवं निचली सतह में होता है। तो इसके रोकथाम के लिए हमें सल्फर का छिड़काव करना है। इसके लिए हम लगभग 250 ग्राम सल्फेक्स को का छिड़काव प्रति एकड़ की दर से हमें करना है। साथ ही साथ अब हम कीट पतंगों के आक्रमण की बात करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्लाउडी वेदर है या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि बदली की स्थिति है, इस स्थिति में ही तिवड़ा की फसल में कीट पतंगों का आक्रमण होता है और मुख्य रूप से थ्रिप्स का आक्रमण होता है जहाँ पे क्लाउडी वेदर होता है और यह लगातार 2 से 3 दिन तक होता है तो प्रकोप भयानक हो जाता है एवं वह पत्तियों के रस को चूसने लगते हैं एवं बढ़वार को रोक देते हैं। तो इनसे निजात पाने के लिए किसान भाई लोग डाइमेथोएट एक दवा होती है जिसकी 2 से 3 ml दवा लेना है प्रति लीटर के दर से घोल बनाकर छिड़काव करना है एवं 1 हेक्टेयर में लगभग 500 लीटर पानी का उपयोग करना है। तो अगर फिर से इसे अगर मौसम ख़राब होता है तो 15 से 20 दिनों पश्चात पुनः इन्हें रिपीट करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी फसल है वो फूल आने की अवस्था में है और कहीं कहीं फलियां बन रही हैं। ये जो किस्में हैं ये जैसे कि हम तिवड़ा की बात करें तो ये 115 दिन के में पकने वाली लगभग 115 से 120 दिन में की अवधि की फसल है। इसकी कटाई के समय जब पत्तियां पीली पड़ जाएं
एवं फलियों में जब दाने भर जाएं और जब फलियां बिल्कुल सुडौल हो जाएं, जब चटकने की अवस्था हो, उससे 5 से 6 दिन पूर्व हमें कटाई करना है। कटाई उखाड़ के हम कर सकते हैं, क्योंकि ये इनका तना काफ़ी नाजुक होता है एवं इसमें ज़्यादा लेबर कास्ट नहीं आता है, तो उखाड़ के हम कर सकते हैं। मसूर को भी उसी तरह से कर सकते हैं, अर्थात 115 से 120 दिन में हम जब पक के तैयार हो जाए तब हमें उखाड़ना है। ढेर अगन चर्चा हुई संगवारी हो, गोड़ बात हुई से, अब बेरा हो गए है एक ठन सुघर गीत संगीत के, आओ देखथन और सुनथन ये गीत ला। आपके मितान अगले अंक में नवा विषय के संग फेरा ही, तब तक बर जय जोहार।